की जिंदगी को देखो। इंशाअल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अपनी किताब सुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनवी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि हजरत सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब मुसलमानों मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन को 40 साल तक अदा कर सकता है? मेरा गौस ईशा की नमाज के लिए वजू बनाता है। अब्दुल कादिर जीलानी ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, ईशा की 4 रकअत फर्ज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े होने के बाद इधर फजर का वक्त शुरू होता है, मेरे गौसे आजम पूरी रात नफली नमाज में अदा कर गुजार देते हैं, पूरी रात नफली सजदे कर करके गुजार देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो जाता है, एक दिन गुजर गया गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली, दूसरा दिन गुजर रहा है गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा दसवां बीसवां पच्चीसवां दिन गुजर रहा है, अब्दुल कादिर जीलानी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता है तो रब ने ऐलान कर दिया अब्दुल कादिर अरे इबादत करना तेरा काम है, दुनिया में तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्ने गौसे आजम अस्मते शहंशाह। यही वजह है कि आज गौसे आजम हमारे खानदान के नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, हमारे कबीले के नहीं है, हमारी बस्ती के नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमा के नूरे नजर हैं, इमाम हसन और हुसैन के वो लाडले हैं, फातह खैबर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लाडले हैं, इमाम बाकर के शहजादे हैं, इमाम हसन मुसन्ना के लखते जिगर हैं, वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन का बेटा है, वो इमाम जैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बेटा है, ये दोनों का संगम जहां पे मिल जाता है उस संगम से जो मोती निकलता है उसी मोती का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबालुल इस्तेकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत मूसा से आला है, मेरा रसूल हजरत जकरिया और यहया से आला है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों से आला है, और बरेली का ताजदार कहता है गौसे आजम तमाम वलियों से आला है, इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह, कई आलम है वाह, गौस के सर का आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही मिल गया गौसे आजम को अजमत, ऐसे ही मिल गई गौसे आजम को ये किरदार, ऐसे ही मिल गया। मेरी कौम के नौजवानों याद करो गौसे आजम की जिंदगी के विंडो में झांक कर देखो तो 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत फरमा रहे हैं, 11 साल तक फाका कशी फरमा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना तो गौसे आजम ने बर्दाश्त किया, खुदा की बारगाह का सजदा छूट जाए। मुसलमानों गौसे आजम ने बर्दाश्त नहीं किया, 11वीं मनाने वालों गौसे आजम का जलसा मनाने वालों याद तो करो आज हमने कितनी नमाज फजर पढ़ी है, कितनी जुहर की नमाज अदा की है, कितनी असर और मगरिब पढ़ी है, कितनी ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने रमजान के रोजे रखे हैं। अंदाजा करो मुसलमानों जो कौम नमाजों में नहीं जाएगी, जो कौम रमजान के रोजे नहीं रखेगी, जो कौम जुहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगी उस कौम का आलम क्या होगा, वो कौम तबाह और बर्बादी की दहलीज पर हो जाएगी। एक मर्द कलंदर था अब्दुल कादिर जीलानी जिसने दुनिया में ऐलान कर दिया मौला अब जमीन पर आ गया हूं, इस जमीन पर इबादतें करूंगा, तो रब ने कहा अब्दुल कादिर इबादत करना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह वाह, ये शान है हजरत गौसे आजम, वाह वाह वाह। यही वजह है आज करिया करिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, सहरा सहरा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, बगदाद में लेटे हुए हैं गौसे आजम, बगदाद में आराम फरमाते हैं गौसे आजम, बगदाद का शहंशाह बगदाद में तशरीफ फरमा है, लेकिन हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इस इलाके में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, क्यों ना चर्चा हो इसी महिला सौदागर
ईरान की गलियों में चलने वाला, इसी महिला सौदागरान की बस्ती में आराम फरमाने वाला ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौर तू हसनी तू ना हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरेन है दरिया तेरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आज ये मैं आपको समझाता हुआ चलूं, आज कोई नौजवान ये कसम खा ले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो उसके बाप एक दिन मनाएंगे, दो दिन मनाएंगे, तीन दिन मनाएंगे, चार दिन मनाएंगे, पांचवें दिन ना बाप मनाएगा ना माँ की ममता मनाएगी, ना बहन का प्यार मनाएगा ना भाई का इश्क मनाएगा। नौजवान भूखा रहकर तड़प तड़प कर दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आओ गौसे आजम की जिंदगी को देखो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब जुब्दतुल आसार में लिखते हैं, मेरे गौसे आजम ने ऐलान कर दिया जब तक कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, है कोई रागोपुर का ऐसा नौजवान जो ये कसम खा ले मुझे कोई नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम की कुतबियत देखो, गौसे आजम की शान विलायत देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो, उनका जाहो जलाल देखो, उनकी अजमत वखार देखो, उनकी तहजीब तमद्दुन देखो। गौसे आजम ने कहा मौला उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा। वक्त गुजरता गया, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिल से पेट से आवाज आती है, अलजू अलजू मेरा गौस तशरीफ फरमा है। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कुतुबे बगदाद है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो का उस जानिब से गुजर हो गया, सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है, अंदर से आवाज आ रही है अलजू अलजू। सरकार अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने ऐलान किया, अब्दुल कादिर ये शोर गुगा कैसा है, ये आवाज कैसी निकल रही है। सरकार गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, ए अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी सुनो, ये मेरा नफ्स जो है ये खाना मांग रहा है और मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में लगा है, अल्लाह की मोहब्बत में लगा है, अल्लाह की रजा में लगा है, अल्लाह की इताअत में लगा है, अल्लाह की याद में लगा हुआ है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने इतना सुना, सरकार गौसे आजम से ऐलान करते हैं, ए शहजादे अब्दुल कादिर आओ मैं अपने घर पे तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूं। ये कहने के बाद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अपने घर गए, अपनी बीबी से कहा मोहतरमा होम मिनिस्टर अपना दस्तरखान तैयार करो, लजीज खानों का पकवान लगवा दो, बेहतरीन दस्तरखान की तैयारी करा दो। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की सौजाए मोहतरमा ने अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनवा लिए। इधर गौसे आजम का इंतजार हो रहा है, अबू सईद दरवाजे पर खड़े होकर अब्दुल कादिर का इंतजार कर रहे हैं। एक घंटा गुजर गया, मेरा गौस तशरीफ ना ले गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा घंटा गुजर रहा है, शाम का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब आ गया है, लेकिन मेरा गौस अभी तक चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने पीछे से हजरत खिजर को भेज दिया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खिजर को भेजा, हजरत खिजर गौसे आजम के करीब आते हैं, गौसे आजम को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के घर में। जैसे ही अबू सईद के घर में हजरत गौसे आजम पहुंचे, अबू सईद ने कहा, ए बेटा अब्दुल कादिर, क्या हमारा कहना काफी नहीं था, इतना सुनना था। गौसे आजम को दस्तरखान पे बिठा दिया गया, सरकार गौसे आजम को बिस्तर पे बिठा दिया गया और हजरत अबू सईद ने अपने हाथों से लुकमा बनाकर मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर गौसे आजम के मुंह में लुकमा जा रहा है, आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। शान तो देखो, मकाम तो देखो गौसे आजम का, हमें कोई खिलाएगा, हमें कोई खिलाएगा खुशामद कर करके, लेकिन ये मकाम गौस है, ये मकाम कुतुबे रब्बानी है, ये मकाम गौसे समदानी है। आवाज आ रही है चारों जानिब से दरो दीवार से, अब्दुल कादिर अब तो खा ले, अब्दुल कादिर अब तो खा ले। तो मेरे गौस ने हजरत खिजर से कहा था, ए खिजर आज अगर मेरा रब हजरत अबू सईद के हाथों से ना खिलवाला तो मैं अपनी जान तो दे देता लेकिन अपनी कसम ना तोड़ता, खुदा की कसम ये मकाम है गौसे आजम का, इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।
ये मकाम है गौसे आजम का कमेटी वालों। और आज हमारा आलम क्या है, एक वक्त की नमाज की हमें तौफीक नहीं है मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, बात तलख है लेकिन बात सच्ची यही है, हम जलसा तो सजा लेते हैं लेकिन काश जलसा बाद में सस्ता, हमारी पेशानियां सजदे से संजा सज जाती, अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता और बगदाद में जो आराम फरमा गौसे आजम है वो भी खुश हो जाते। लेकिन मुसलमानों हमने नमाजों को छोड़ दिया, गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने अपनी जिंदगी में कभी एक फजर की नमाज ना छोड़ी, कभी जोहर की नमाज ना छोड़ी, कभी असर की नमाज ना छोड़ी, कभी मगरिब की नमाज ना छोड़ी, कभी ईशा की नमाज ना छोड़ी। और गौसे आजम के जय जयकार करने वाले, गौसे आजम का झंडा उठाने वाले, गौसे आजम का नारा लगाने वाले, गौसे आजम की ग्यारहवीं मनाने वाले, गौसे आजम का जुलूस निकालने वाले, गौसे आजम की नजर करने वाले, गौसे आजम की फातिहा करने वाले नमाजों को ऐसा छोड़ते हैं जैसे नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो कयामत के मैदान में क्या जवाब दोगे, अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल तुमसे पूछवाएगा, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, करनी पड़ रही है ना तकरीर, करनी पड़ रही है ना तकरीर, ये तकरीर नहीं होना चाहिए था लेकिन ये इन्हीं तकरीरों की जरूरत है आज, आज इन्हीं तकरीरों की अगर एक के दिल पे भी चोट लग गई और उसने चोट का असर आंख के जरिए बहा दिया तो खुदा की कसम इस मिट्टी में जब वो जाएगा तो जन्नत के महल खोल दिए जाएंगे, जोर से बोलो जन्नत के दरीचे खोल दिए जाएंगे, सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम यहाँ तो वो मजा नहीं है जो कब्र में जन्नत की हवा आएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी हवा जिसके सामने एसी की हवा फेल है, कूलर की हवा फेल है, वो हवा आएगी सुभान अल्लाह। ऐसा खाना आपने नहीं खाया होगा जो खाना जन्नत में मिलेगा, ऐसी औरतें तुमने नहीं देखी होंगी जैसी औरतें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी, ऐसे गुलाम तुमने नहीं देखे होंगे जैसे तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। और मेरा रब कहता है अरे सबसे बड़ी नेमत तो ये होगी जब जन्नत में तुम आओगे तो तुम्हें मेरे रसूल का भी दीदार होगा, परवरदिगार का भी दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अंदाजा करो मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही कहां चले गए, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला उन्होंने जब इतनी इबादतें की हैं तभी अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है कि अपनी ठोकर को मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी ठोकर को मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया। यही मकाम गौसे आजम को देखो, हजरत गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मिंबर पर गौसे आजम की तकरीर हो रही है, हम मौलवियों की तरह तकरीर नहीं, गौसे आजम की तकरीर इल्म और इरफान का दरिया बहता है, हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। तकरीर करते करते सरकार गौसे आजम का इमामा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुला, तमाम सामेईन जो सामने बैठे थे अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए, जो टोपी पहना था उसने टोपी सर में उतार के रख दी, जो इमामा पहना था उसने इमामा उतार कर सरकार गौसे आजम के सामने रख दिया। अब मेरे सरकार गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आते हैं, तवज्जो करो, रागुपुर के मुसलमान बड़ा खूबसूरत जलसा सजाया है तुमने, आयात करोगे अपने जलसे को, इतना कामयाब जलसा है खुदा की कसम। सरकार गौसे आजम का इमामा खुला, तमाम सामने वालों ने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए, जो टोपी पहने थे उन्होंने टोपियां गौसे आजम के कदमों में रख दी, जो इमामे पहने थे उन्होंने इमामे गौसे आजम के कदमों में रख दिए। अब मेरा गौस जलाल से जमाल में आ गया, जमाल में गौसे आजम आता है, फिर मेरे गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया, जब सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधा तो मेरे गौस ने फरमाया सारे लोगों तुम भी अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लो। जब तमाम लोगों ने इमामा उठाकर सर पे रखा तो एक औरत के सर का दुपट्टा जिसको सरबंद कहा जाता है, औरतें जो दुपट्टे के नीचे पहनती हैं बालों को रोकने के लिए उसे सरबंद कहा जाता है, जो दुपट्टे के नीचे ओढ़ा जाता है, एक सरबंद औरत के सर का कपड़ा मेरे गौस के सामने पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई जवान लड़की नहीं, कोई बच्ची नहीं, तमाम मर्द हजरत हाजिर हुआ करते थे। सरकार गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है, लोगों ने कहा हुजूर यहां तो कोई औरत नहीं है, ये कपड़ा औरत का कहां से आ गया, तो मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब दे, तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मकाम देखो, हजरत गौसे
गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहाँ से आ गया। मेरे गौस ने इतना सुना मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, मेरे गौसे आजम का मकाम देखो रागुपुर के नौजवानों, ईमान ताजा हो जाएगा। और तो अपना मकाम देखो, सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे, तो अस्फहान जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो, आज ये माइक किया आवाज दरगाहे आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस रागुपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले, तो उसने अस्फहान से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था मौला, फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फेंक सकते हो, पहुंचा सकते हो। सैफ रजा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते। जब कमेटी वालों, ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो, ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मजार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा। कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठ कर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया, वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया, गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहां गया? कहा, ए लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला था। ये मकाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अरे जब गौस
बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है मेरे गौस का, सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम को अल्लाह ने पावर कितना दिया है, झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। गौसे आजम फरमाते मेरा एक मुरीद पूरब में हो, कहाँ हो जोर से बोलो, एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो, जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम जैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा, जब गौसे आजम का ये पावर है तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे गौस का। जब गौस आजम का ये मकाम है तो सोचो इमाम आजम के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, जब हुसैन का ये आलम है तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फिकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा, सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फिकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन और हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है नबी करीम के सदके में भेजा है, हजरत नूह को अगर भेजा है रब रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है, हजरत इब्राहिम को अगर भेजा है रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है, हजरत जिब्राइल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है, हजरत मीकाईल और इस्राफील और किरामन और कातबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है, जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है, आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है, जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है, अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदके में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यह मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौस आजम का जलसा सजाते हैं मुसलमानों, जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघुपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है, दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। और क्यों ना मोहताज हो, एक साइंटिस्ट गुजरा है न्यूटन, क्या नाम है जोर से बोलो, क्या नाम है, पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं न्यूटन का नाम पढ़ा है ना, न्यूटन
एक ऐसा वैज्ञानिक गुजरा है जिसने मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए कहकशा को तलाश कर लिया। किसको तलाश कर लिया? कहकशा, आसमान में जो कहकशाएं हैं उसको न्यूटन ने तलाश कर लिया। जब न्यूटन से पूछा गया, न्यूटन क्या तुम ये बता सकते हो कि जमीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रही है? तू ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तुम ये बताओ दुनिया कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या तुम देख के बता सकते हो? क्या तुम्हारी दूरबीन बता सकती है? क्या तुम्हारा रेडियो सिस्टम बता सकता है? क्या तुम्हारी रडारे बता सकती है? क्या तुम्हारा टेलीस्कोप बता सकता है? क्या तुम्हारी दुनिया के ये कैमरे बता सकते हैं? मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कायनात कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? तो न्यूटन अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है, मुसलमानों मेरी ये औकात नहीं है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है ये मैं बता सकूं। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरी वन पर्सन लिसन मी केयरफुल्ली। जोर से बोलो। अरे अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, वरना तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना के जा रहा हूं। तड़प के बोल दो, झूम के बोलो कमेटी वालों। न्यूटन ने कहा मैं सब कुछ बता सकता हूं लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कमेटी वालों, जमीन कितनी लंबी है, कायनात कितनी लंबी है, पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जमीन और आसमान के माबेन कितनी खला है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरी वन पर्सन सर्वेंट ऑफ द अब्दुल कादर जीलानी ऑफ राघुपुर। मैंने ये कहा कि न्यूटन ने कहा राघुपुर में गौसे आजम के गुलामों, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये मैंने इंग्लिश में कहा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन ने कहा मैं नहीं बता सकता, मैं एबल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि बता सकूँ। अब जब न्यूटन ने अपने हथियारों को डाल दिया, जब न्यूटन ने अपने तमाम सिस्टम को सरेंडर कर दिया, जब न्यूटन अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अब हम गौसे आजम के दरबार में जाते हैं, अब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं, शहनशाह बगदाद के दरबार में जाते हैं, इमामुल औलिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल असफिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अतकिया के दरबार में जाते हैं, कमेटी वालों हजरत गौसे समदानी के दरबार में जाते हैं, खुतबे रब्बानी के दरबार में जाते हैं, महबूबे लासानी के दरबार में जाते हैं। अरे हम अब न्यूटन के दरबार से हटकर गौसे आजम के दरबार में जाते हैं, हजरत गौसे आजम से पूछते हैं, ए गौसे आजम बताओ दुनिया कितनी लंबी है, दुनिया कितनी चौड़ी है, दुनिया की हालत क्या है, दुनिया की कंडीशन क्या है, दुनिया को तुम किस तरह से देखते हो? तो मेरा गौसे आजम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खर्दलतन अला हुक्म इत्तिसाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहते हैं अल्लाह की जो जमीन है, अल्लाह की जो कायनात है, इस कायनात में जितने बर्रे आजम है, यूरोप बर्रे आजम है, अमेरिका बर्रे आजम है, अफ्रीका बर्रे आजम है, एशिया बर्रे आजम है, जितने दुनिया में बर्रे आजम है, उन बर्रे आजम में जितने मुल्क हैं, उन मुल्कों में जितने शहर हैं, उन शहरों में जितने कस्बे हैं, उन कस्बों में जितने गांव हैं, उन गांव में जितने महल्ले हैं, उन महल्लों में जितने घर हैं, उन घरों में जितने लोग हैं, गौसे आजम कहते हैं मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। और तो कर ये मकाम है गौसे आजम, जहां न्यूटन प्रदा कानपुरी, जहां न्यूटन सरेंडर कर दे, जहां न्यूटन हथियार डाल दे, वहां पर मेरा गौस कहता है अल्लाह ने जमीन को बर्रे आजम में बांटा। किस में बांटा? जोर से बोलो, एशिया बर्रे आजम, अफ्रीका बर्रे आजम, यूरोप बर्रे आजम, और बर्रे आजम को बांट दिया मुल्कों में। ये भारत है, ये चाइना है, ये जापान है, ये बर्तानिया है, ये हॉलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, ये वेस्ट इंडीज है, ये फुला है, ये फुला है, और देशों को बांट दिया प्रदेशों में। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, सिक्किम है, देशों को प्रदेशों में बांट दिया और प्रदेशों को जिलों में बांट दिया। ये बरेली है, ये पीलीभीत, रामपुर, कानपुर है, और फिर शहरों को बांट दिया कस्बों में। ये फुला कस्बा, ये फुला कस्बा, और कस्बों को बांट दिया महल्लों में।
में महलों को बांट दिया वार्डों में, अब तमाम वार्डों को मिलाकर महल्ला बनता है, महल्लों को मिलाकर कस्बा बनता है, कस्बों को मिलाकर जिला बनता है, जिलों को मिलाकर प्रदेश बनता है, और प्रदेश को मिलाकर देश बनता है, देश को मिलाकर बर्रे आजम बनता है, बर्रे आजम को मिलाकर दुनिया बनती है। गौसे आजम कहते हैं, अरे दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कमेटी वालों, क्या तुम अभी जिस कमरे में मैं ठहरा था यहाँ से वो कमरे में देख सकते हो? जोर से बोलो, इस पर्दे के पीछे क्या है कोई बता सकता है? अब अंदाजा करो हम में और गौसे आजम में कितना बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। हम पर्दे के पीछे का ना देख सके, मेरा गौसे आजम बगदाद से राघुपुर में जलसा करने वालों को भी देख रहा है, जलसा कराने वालों को भी देख रहा है। अंदाजा करो, जब गौसे आजम का मकाम ये है तो गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मकाम है गौसे आजम का। अब मुझे बताओगे नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताना, सवाल करूं इजाजत है? मे आई आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? क्या मैं एक सवाल की इजाजत चाहता हूं आपसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे सुनोगे तो इतनी इंग्लिश बोलूंगा याद करोगे। औरतें अपने बच्चों को सिखाएंगी, बेटा अब दाढ़ी छिलाकर इंग्लिश नहीं बोलना है, दाढ़ी भी रखना है, इंग्लिश भी बोलना है। और अपनी गोद में बच्चों को पैगाम दो, बगैर दाढ़ी वाला ही इंग्लिश नहीं बोलना जानता, दाढ़ी वाला भी बोलना जानता। सुभान अल्लाह। जोर से बेशक। अब एक बात कह दें आपसे, कह दें, जोर से बोलो, जब एक दाढ़ी रखकर कोई आलिम बनता है और अंग्रेजों की जबान बोलता है तो दुनिया को बताता है, जालिम जब तू इंग्लिश का नशा लेकर आएगा तो हम इंग्लिश में जवाब देंगे। सुभान अल्लाह वेश, इंग्लिश में जवाब देंगे, और जब तू हमारी कौम को गुमराह करने आएगा तो आला हजरत की तलवार लेकर कुरान से जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। ये यही सुनना चाह रहे थे, मेरी जुबान सुनना चाह रहे थे, है ना, यही सुनना चाह रहे थे। जब तू अबू बकर के गुलामों से टकराएगा, उमर के वफादारों से टकराएगा, उस्मान के शैदाइयों से टकराएगा, अली के गुलामों से टकराएगा, गौसे आजम के दीवानों से टकराएगा, तो तेरी मदद के लिए तेरा बाप नहीं आएगा, तेरा दादा नहीं आएगा, तेरा परदादा नहीं आएगा, तेरा लकड़ दादा, सकर दादा, ग्रैंड फादर, ही विल बी नॉट कम टू योर हेल्प इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ माई इस्लामी ब्रदर। सुभान अल्लाह। ना तुम्हारा बाप आएगा, ना तुम्हारा भाई आएगा, ना तुम्हारी माँ आएगी, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, फिर हु विल बी कम, कौन आएगा? तो यही जो थोड़ी देर पहले मुरीद करके गया, इसका जद्दे आला आएगा। ए शख्स सुभान अल्लाह, हसन रजा का परदादा, ताज शरिया का दादा, हुज्जतुल इस्लाम का बाप, मुफ्ती आजम का बाप, नकी अली का लाडला, रजा अली का पोता, बरेली की धरती से इश्क़े रसूल की तलवार देगा और पुकार कर कहेगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, अरे खैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम।
सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वेश जोर से बोलो यार, इतनी मेहनत से तकरीर कराओगे तब बोलोगे सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हल्की हल्की तकरीर में काम चला लेंगे, लेकिन कमेटी के लोग भी बहुत चालाक हैं। कहते हैं थोड़ा सा लोड लो तो हम भी लोड लेंगे सुभान अल्लाह। अगर लोड पर तुम खुश हो जाते हो खुदा की कसम तो इश्क नबी का लोड ले लेंगे सुभान अल्लाह। अबू बकर की सदाकत का लोड लेंगे, हजरत उमर की अदालत का लोड लेंगे, हजरत उस्मान की सखावत का लोड लेंगे, हजरत अली की बहादुरी का लोड लेंगे, फिर दुनिया वालों को बताएंगे अब मुसलमान बेदार हो गया है, आ तलवार चलाना तेरा काम है, इश्क रजा में झूम कर तकबीर का नारा लगाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामला यही है मुसलमानों, तो आओ सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं, उस आमना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया आदम इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड मिस्टर आदम सफीउल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, अब मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह लिसन मी केयरफुली, हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माय अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो, वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माय पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं, अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम गिव मी आंसर केयरफुली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या कम हो अरबी बोलो, अरबी बोलो सुभान अल्लाह। मंजरी अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी मतलब के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं, हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माय अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं, हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। हजरत क्या बात है। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को रिसालत को अजमत को तकद्दस को मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो, ये बंबई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ, अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बंबई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे सुभान अल्लाह। बेशक वाह। हजरत आदम ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन माय नूह पैगंबर, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा न
नजरिया क्या है बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर। बेशक मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है। तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे पूरा मचलोगे इंशाल्लाह। यहाँ भी झूमोगे इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा। अल्लाह ने फरमा विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फॉर मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला, मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है, और ये मूसा कौन पैगंबर है, कौन पैगंबर है जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। है कोई राघोपुर का मुसलमान? खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें कर, पसीना छूट जाता है मलकुल मौत को देखा है। मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डालकर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है, ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है, ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमैन बना देता है, ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं। कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन। और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमान और रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा यह जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है, अपने नबी को क्यों दिया है, अमना के लाल को क्यों दिया है, अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है, हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है। अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ए नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 124,000 कम बेश अंबिया इकराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा, प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा, उम्र रुबाब का कलेजा छल्ली होगा कहेंगी मौला राजी हो जा, 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का कर गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबीए पैगंबर इमाम हुसैन का लखते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा, तो मैं इब्राहिम से कहूंगा इफ यू वांट टू परसीड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा, अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मीना के मैदान में गर्दन कटाना होगी। इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं, राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा, अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा, तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा।
मूसा कलीमुल्ला ने कहा मौला दुनिया तुझे राजी करेगी, आदम तुझे राजी करेंगे, इब्राहिम तुझे राजी करेंगे, इस्माइल तुझे राजी करेंगे, कलीमुल्ला तुझे राजी करेंगे, नजीउल्ला तुझे राजी करेंगे, अबू बकर तुझे राजी करेंगे, उमर तुझे राजी करेंगे, उस्मान तुझे राजी करेंगे, अली तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन तुझे राजी करेंगे, हुसैन तुझे राजी करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे राजी करेंगे, इमाम जाफर सादिक तुझे राजी करेंगे, इमाम बाकर तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन अस्करी तुझे राजी करेंगे, इमाम गौसे आजम तुझे राजी करेंगे। ऐ मौला, अरे दुनिया तुझे राजी करेगी, अरे तू किसे राजी करेगा? तो मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे पैगंबरों सुनो, दुनिया मुझे राजी करेगी लेकिन मैं आमना के लाल को राजी करूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और तो कर दुनिया खुदा को राजी करे और खुदा किसे राजी करे? मुस्तफा को राजी करे। आदम खुदा को राजी करे लेकिन खुदा मुस्तफा को राजी करे। नूह खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफा को राजी करे। इब्राहिम खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफा को राजी करे। इस्माइल खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफा को राजी करे। इसीलिए बरेली की आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार करके तैयार रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। और रजा पुल से अब वजद करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। अल्लाह, ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने किताब ली, कहां गए? कोहे तूर पर। कहां गए? कहां गए? हजरत मूसा ने कहा, ऐ मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई, माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई, माय अल्लाह, अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया, इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई, मूसा कलीमुल्लाह, कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो पीछे वालों, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो, अच्छा लग रहा है? हाँ, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा, मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई, माय अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, कम टू कोहे तूर, मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, आसमानी किताब चाहते तो कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं, देखो नबी का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम समझिए, अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहां अल्लाह ने बुलाया? कोहे तूर पर। कहां बुलाया? कमेटी वालों ने कहा, अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहां बुलाया? राह राघूपुर में। बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई, सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चलकर जाए वो जरूरत मंद होता है, वो जरूरत मंद होता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, कम टू कोहे तूर, आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते, अल्लाह ने तौरे शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह, मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो, ऐसा जुमला देने जा रहा हूं, मजमे में हंगामा हो जाएगा अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो। हजरत मूसा ने कहा, मौला, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, ऐसा मत कहो, अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्ला होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्ला होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्ला होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्ला होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्ला होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्ला होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, वाह।
हमारे सामने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना, इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह सलामत रखे, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए, जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐ शख्स सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना समझ में आ गया, अब आगे समझो, अब आगे समझो, जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा, अल्लाह ने यस एक नबी होगा, कौन होगा वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा एक बात और बता दी, अल्लाह ने फिर पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा। और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें, और लोरियों में अपने बच्चों को सुनाना, अपनी औलाद की अम्ब्रेंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फरमा बरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहां, कहां बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी आपने, राघुपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया के नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा, कहीं तो बुलाएगा तू, मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा कहां बुलाएगा, क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा, अल्लाह ने फरमाया नहीं, क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा, अल्लाह ने फरमाया नहीं, क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा, अल्लाह ने फरमाया नहीं, क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा, अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा, तो कहा मौला कैसे देगा, कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह, अब सुनो राघुपुर के वो लोगो, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल बीरे जमजम पर होगा तो कुरान बीरे जमजम पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ए मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा, जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा। यह मकाम है मेरे रसूल का, यजमत है मेरे रसूल की, जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो, जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रजा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे, कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओले हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया, खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफा
अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोलें, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं देखते रहो, कितनी तरह की, बोलो बोलो उंगली का इशारा, दो तरह की, कितनी तरह की सूरतें हैं सुन लो। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वालों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं जोर से बोलो, दो तरह की है ना, पक्की बात, तीन तरह की तो नहीं है, ये दो ही तरह की सूरतें क्यों आई, चार तरह की आ जाती, पांच तरह की आ जाती, छह सात आठ दस तरह की आ जाती, दो ही तरह की सूरतें क्यों आई, जहन हाजिर है? और तो तवज्जो से समाज को, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, उंगली का इशारा कर रहा हूं, कितनी, बच्चों नौजवानों बुजुर्गों सब बोलो कितनी तरह की। रसूल का पावर देखो, रसूल का इख्तियार देखो, खुदा की कसम इस कब्रिस्तान की मिट्टी में जो मुर्दे लेटे होंगे वो भी झूमते होंगे, जो तुम्हारे आबाऊ अजदाद यहाँ आराम करते होंगे वो भी कैफो मस्ती में झूमते होंगे कि जमीन के अंदर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, जमीन के बाहर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। हजरात जरा गौर करो, राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, दो तरह की सूरतें, ये तीन तरह की सूरतें क्यों नहीं है, ये चार तरह की सूरतें क्यों नहीं है, ये पाँच तरह की सूरतें क्यों नहीं। सैफ रजा कानपुरी पंजे तने पाक की नस्बत से बड़े अशआर पढ़ते हैं लेकिन ये पाँच तरह की सूरतें क्यों नहीं, नबी के चार वफादार बड़े सहाबा हैं, ये चार तरह की सूरतें क्यों नहीं, ये कुरान में दो ही तरह की सूरतें क्यों हैं। तो रब की बारगाह से जवाब आता है, अरे मेरे रसूल की जिंदगी दो तरह की है, एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। जब रसूल मक्का में रहा तो कुरान मक्की आया, रसूल मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये दिल्ली और भोपाल वाले गंजों से पूछो, इन गंदों से पूछो, इन नाबकारों से पूछो, अरे रसूल की जिंदगी डिवाइड होती है दो जगह, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान भी अपने अंदर सूरतें लिए हुए, एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। कैसी सूरत? एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। अब कुरान की मक्की सूरत भी इन्हें चिढ़ा रही है, जालिमों नबी का इख्तियार देखो, नबी की इनको मदनी सूरत भी चिढ़ा रही, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। जब नबी मक्की है तो कुरान मक्की आ रहा है, रसूल मदनी है तो कुरान मदनी आ रहा है। ऐलान हो गया, अरे जैसा रसूल होगा वैसा कुरान होगा। आला हजरत ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रजा। शख्स सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। इसीलिए अहले सुन्नत सीना ठोक कर ये बात कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, जैसा हमारा रसूल है दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया। आला हजरत ने मोहर लगा दी, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। राघोपुर के लोगों अब जरा सुनो, आदम के लिए मेरा नबी नबी है, इब्राहिम के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, जबीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, रूहुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, जकीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, अबू बकर के लिए मेरा नबी नबी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हजरत उमर के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत उस्मान अली के लिए मेरा नबी नबी है, तलहा जुबैर के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, जिब्राइल
के लिए मेरा नबी नबी है, इसराफील के लिए मेरा नबी नबी है, इसराइल के लिए मेरा नबी नबी है, किरामनो का तबीनो हारूतो मारूत हमला ने अर्श के फरिश्तों के लिए मेरा नबी नबी है, आसमान के लिए मेरा नबी नबी है, जमीन के लिए मेरा नबी नबी है, कायनात के लिए मेरा नबी नबी है, जलवों के लिए मेरा नबी नबी है, खलवत में मेरा नबी नबी है। अरे जालिमो कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी नबी है, कुरान के पारों में मेरा नबी नबी है, कुरान के रुकू में मेरा नबी नबी है, अरे कलमे में मेरा नबी नबी है। ऐ वहाबियो तुम दीन के बाहर, तुम दीन के बाहर, तुम कुरान के बाहर, तुम कलमे के बाहर जो कह लो है दीन के अंदर नबी नबी है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्रा। बेशक सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, बोलो यार बोलो जुमराक, मुस्कुरा के बोलो। अरे इधर तुम मुस्कुराओगे उधर आमना का लाल मुस्कुराएगा, जिसके होठों की लाली पर, जिसके होठों की लाली के तबस्सुम पर बरेली के आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाजले बरेलवी कहते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, तुम दीन के बाहर जो कह लो, कुरान के बाहर जो कह लो, कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी 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 है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। खूब की सैरे चमान फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी राघुपुर के लोगों फिर मिलेंगे। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। When I will come to return your blaze, I will deliver speech after this matter if I will alive in the world by grace Allah। बोलो जोर से बोलो। अरे यार ये फरमाइशें तो शायरों से अच्छी रहती हैं, खतीब खतीबों से भी कोई फरमाइशें करता है, ये तो आपकी मोहब्बत है। सैफ रजा से अगर फरमाइश करो तो अच्छी भी लगती है। हजरात देखो पूरा डेढ़ घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, और मैंने खुतबा नहीं पढ़ा था, खुतबा पढ़ता तो आधा घंटा और चला जाता। कमेटी वालों तस्लीम भाई अगर खुतबा पढ़ता तो मेरा खुतबा आधा घंटे में ख़त्म होता है। अब डेढ़ घंटे की तकरीर और आधा घंटे का खुतबा कितनी हो गई, दो घंटे की तकरीर। मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर, चूँकि मैं ये चाहता हूँ कम वक्त में कौम को ज़्यादा फायदा पहुँचा दिया जाऊँ। मैं वो नहीं हूँ कि कौम का टाइम पास करूँ, मजाक करूँ, जोक करूँ, हंसी मजाक करूँ। आई डोंट लाइक, सुभान अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बस अब मैं एक बात कह के आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और ये मेरे सामने न जाने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जहाँ मैं तकरीर करने जाता हूँ तो 100 जगह तकरीर, 90 जगह लोग ये कहते हैं हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए। अल्लाह से ये शायरों का तरीका होता है, शायरों से कहा जाए एक कलाम और पढ़ दीजिए, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। एक बात और कह के जाऊँ, सुभान अल्लाह, मेरा रसूल जब पैदा हुआ अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्दे सानी में इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे रसूल पैदा हुए तो सबसे पहले रसूल ने अल्लाह को याद किया, और अल्लाह को याद करने के बाद मेरे रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती,
तकरीर का आखिरी पॉइंट आपके जज्बात को सलाम करते हुए कमेटी वालों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करने के बाद अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ हम्द व सनायु किब्रियाई बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब ये मेरा रसूल चल रहा है तो जबान पे है रब्बे हबली उम्मती, मेरा रसूल 10 साल का हो रहा है जबान पे है रब्बे हबली उम्मती, मेरा रसूल 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर अबू तालिब की सरपरस्ती में करता है जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती, 35 साल की उम्र में मेरा रसूल काबतुल्ला का संग असबत का झगड़ा सुलझा रहा है जबान पे है रब्बे उम्मती, मेरा रसूल 40 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गया ऐलान नबुव्वत फरमाता है, मेरा रसूल कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरा रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़कर मदीना को बन चले जाते हैं और जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती, मेरे रसूल मैदान बदर में जा रहे हैं जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती, मैदान उहद में दंदाने मुबारक पे चोट लग रही है मेरा नबी फरमा रहा रब्बे हबली उम्मती, खंडक के मैदान में रसूल पेट से पत्थर बांध रहा है लेकिन जबान से बोला रब्बे हबली उम्मती, मेरा रसूल 63 साल की उम्र शरीफ ज़ाहिरी एतबार से गुजारने के बाद कब्र शरीफ में जा रहा है तो जबान पे जा रही है रब्बे हबली उम्मती। है रागुपुर के लोगों अब मेरा रसूल का जनाजा पाक कब्र के अंदर है, आके करीम के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे सरकार के होठ हिल रहे हैं, तमाम सहाबा खड़े हुए हैं, हजरत अली कब्र शरीफ में गए, हजरत अली ने अपना कान लगाया मुस्तफा के होठों के करीब, अल्लाह के हबीब के होठों के करीब हजरत अपने काम ले गए, सहाबा ने पूछा अली बोलो कब्र की आखिरी मंजिल में कमेटी वालो मेरे रसूल अपनी बीबी सैयदा खदीजा को तो याद नहीं फरमाते, हजरत अली ने कहा नहीं अगर दिल पे चोट लगे तो आंख में आंसू आना चाहिए, हजरत अली फरमाते जब सहाबा मुझसे पूछ रहे थे अली बताओ कब्र शरीफ की आखिरी मंजिल है थोड़ी देर के बाद रसूल की कब्र पाक को ढक दिया जाएगा, आमना का लाल किसको याद कर रहा है क्या अपनी बेटी सैयदा कायनात को याद कर रहा है, हजरत अली ने कहा नहीं क्या अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं, हजरत अली ने कहा नहीं क्या हजरत अबू बकर को याद कर रहे हैं, अली फरमाते नहीं क्या सैयदा आयशा की याद आ रही है, हजरत अली ने कहा नहीं, सहाबा की चीखें बुलंद हुई अली जल्दी बताओ मेरा रसूल किसे याद कर रहा है, हजरत अली ने कहा ए रागुपुर के लोगों अली की ज़बाने विलायत बोल रही है ज़बाने तकद्दुस बोल रही है, फतेह खैबर जवाब दे रहा है हसनैन का बाबा बोल रहा है, फातिमा का शौहर बोल रहा है, जन्नत के डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है फतेह खैबर अली ये मुर्तजा की जबान बोली, मेरा रसूल ना अपने नवाजे हसन हुसैन को याद फरमा रहे है इस खबर में, न बीबी आयशा को याद कर रहे हैं न बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं न नवाज़े हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं, सहाबा ने कहा किसको याद कर रहे हैं, अली की आंखों में आंसू आया कहते मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, खताकार उम्मत को याद कर रहे, जिया शियार उम्मत को याद कर रहे हैं और जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मुझे दे दे, हे मौला देना तेरा काम होगा और दामन में छुपा के जन्नत में ले जाना मेरा काम होगा, आला हजरत फरमाते वसाते दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाद का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, जो रसूल कब्र में हमें ना भूला, जो रसूल पैदाइश के बाद हमें ना भूला, जो रसूल बदर उहद में हमें ना भूला, खुदा की कसम अगर कोई प्रधानमंत्री के दरबार में चला जाता है तो अपने वोटरों को भूल जाता है लेकिन मेरा रसूल शबे असरा में मेराज की रात में रब के जलवों में खड़ा है, रब का मुशाहिदा हो रहा है, राजो नियाज की बातें हो रही हैं, वहां भी मेरे रसूल ने कहा मौला तुझे मैं प्यारा हूं मुझे मेरी उम्मत प्यारी है, ऐ मौला तुझे मैं प्यारा हूं मुझे मेरी उम्मत प्यारी है, तो रब ने कहा मेरे रसूल वला सौफा युति
का रब्बू का फतर वाह, तुझे तेरा रसूल तेरा रब इतना देगा कि तू खार खुश हो जाएगा। मेरे रसूल खुश करना मेरा काम है और खुश होना तेरा काम है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, आका खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। हजरात हिंदुस्तान में जलसे तो मैंने बहुत किए लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ 2:30 बजे के वक्त में जैसा मजमा शुरू में था वैसा ही मजमा अब है। ये रिकॉर्डिंग के जरिए पूरा हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में वायरल किया जाएगा सुना जाएगा। अजीब जलसा है जैसे शुरू में थे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आपकी गांव को लोगों को सलामत रखे। बस आला हजरत का वो पैगाम सुन लो, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मुलहिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब एक वादा करोगे, वादा ले लूं पक्का प्रॉमिस, गलत वादा तो नहीं करोगे। 2:30 बज रहा है कब्रिस्तान करीब है, अल्लाह तौफीक दे गांव वालों तो इसी खबर में जाना यही मिट्टी में जाना। दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों के कांधों पर कब्रिस्तान में जाने की तौफीक अता फरमाए। वरना जैसे सैफ साहब ने बताया कि हादसा हुआ, कितने हमारी जमात के लोग इस हादसे का शिकार हो गए रास्तों में। हम लोग तो सफ़र करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, मैंने तो 10 मुल्कों का सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका और हॉलैंड का, वेस्ट इंडीज़ का भी मैंने सफ़र किया है, तो हम जानते हैं सफ़र की सऊबतें कितनी होती। बंगाल की खाड़ी से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ, सोचो मैं आपके यहाँ 1 घंटा पहले आ जाता अगर ट्रेन मेरी आउटर पर ना रुकी होती तो, कितना मुश्किल होता है। कब कहाँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अब हम कहेंगे आका उजाले अपने प्यार की मोहब्बत के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी अकीदत के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, वादा करो उठाए ना, जब तक मैं ना नीचे करूं उठाए ना, और तो तुम हाथ मत उठाना, बस तुम अपना हाथ उठाकर अपने सीने पर रख लेना, अपने कलेजे पर रख लेना। मेरी कौम की माओ बहनों मैं तुमसे चंदा नहीं मांग, हाथ उठाओ कमेटी वालों पूरा उठाओ, वादा करो जिस रसूल ने हमें ज़िंदगी भर याद किया हो कब्र में याद किया हो, क्या वो रसूल कब क़यामत में मैं भूलेगा? नहीं भूले। जब नहीं भूलेगा तो वो रसूल कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब वादा करो और आका से कहो, आका अगर नमाज आपकी आंखों की ठंडक है तो इंशाल्लाह नमाज हम ज़रूर पढ़ते जाएंगे। ज़ोर से बोलो इंशाल्लाह, और बता दो आका सब कुछ छूटेगा लेकिन तुम्हारी आंखों की ठंडक जो नमाज है उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब दूसरा भी हाथ उठाकर गवाह बना लो इंशाल्लाह। जब ये शान होगी और कयामत में पहला सवाल पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तो तुम तो बाद में बोलोगे मेरा रसूल पहले ही कह देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस आला हजरत की एक बात सुन लो, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत जिस जलाल की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं वो सुनो, आला हजरत के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। ए रजा खुद साहिब कुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मौलाए करीब मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी बरेलवी से जो भी कुरान की तशरीहात व तौज़ीहात हदीस के पढ़ने में तारीख की वर्क गिरदानी में और जो भी मुझसे गलती हो अललान तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा
بول بالے میری سرکاروں کے اور اپنی بات کو قبول کرانے کے لیے میرے رضا کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی راگھو پور کے لوگو، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ